हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल समर अकेडमी में। आज हम 12th की मैथ में त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों के बारे में चर्चा हम करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात में हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया। सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे, फिर उसके बाद इसका नामकरण कर देंगे, कुछ भी ए बी सी। ये आपका नामकरण हो गया। अब उसके बाद आपका, आपको बताइए, होगा ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका लंब, ये आपका होता है कर्ण। आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, और उसके बाद इसे मान लिया जाता है थीटा एंगल। ये आपका है 90 डिग्री। ये आपका इतना हो गया। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद उसका नामकरण करेंगे ए बी सी। उसके बाद आपका ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये एंगल मान लिया गया थीटा, ये आपका है 90 डिग्री। अब उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात में चलते हैं। देखिए यहाँ से समकोण, क्या समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण, यदि कोण सी ए बी बराबर थीटा हो तो सी ए बी बराबर कितना हो, थीटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, बी सी। लंब क्या है इसमें, बी सी। बी सी बटे कितना हो जाएगा, ये आपका कर्ण होता है ए सी, ए सी। ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया आपका बी सी अपान ए सी। अब उसके बाद चलते हैं कॉस थीटा पे, कॉस थीटा पे चलते हैं भाई। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अर्थात क्या आधार क्या है आपका ए बी, आधार क्या हो जाएगा आपका ए बी, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब उस साइन पास हो गया, उसके बाद चलते हैं टेन पे। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है, बी सी। लंब क्या है, बी सी, और आधार क्या है आपका ए बी। क्या हो गया, लंब बटे आधार। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम टेन कॉट पे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपका, कॉट थीटा बराबर होता है आपका, इसे हम लिख सकते हैं हमारे पास टेन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, और इसका मान क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है आपका ए बी, आधार आपका हो गया ए बी। उसके बाद क्या, लंब, लंब क्या है आपका, लंब है आपका बी सी, अर्थात क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब उसके बाद चलते हैं सेक थीटा पे। सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यहाँ पे क्या है आपका ए सी, ए सी अपान क्या ए बी। ये क्या होता है आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब चलते हैं क्या है आपका कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम वन अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है आपका कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण है आपका एसी, कर्ण है आपका एसी और आपका लंब क्या है बीसी। ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ रेशियोज हैं, इन्हें ध्यान सा आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। जैसे डिस्चार्ज फिक्स कर दिया जाता है, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सिन थीटा कोसेक थीटा। सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले एक एंगल लेंगे, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये थीटा हमने मान लिया है, ये आपका 90 डिग्री होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, यदि कोण सीएबी बराबर आपका कितना देगा थीटा, थीटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण का मान क्या है बीसी मान एसी, और कॉस थीटा बराबर क्या आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब एबी आधार यहाँ पे क्या है एबी मान एसी, और उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का मान क्या बीसी मान एबी, बीसी मान एबी। अब उसके बाद कॉट थीटा भी चलते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा बराबर ये आ गया आपका ए बी अपॉन बी सी, ये होता है आधार बटे लंब। अब सेक थीटा बराबर क्या कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का मान क्या है कर्ण है आपका ए सी ए सी, उसके बाद आधार का मान क्या है ए बी, उसके बाद कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, इसका मान क्या होता है कोसेक थीटा का ये होता है आपका कर्ण बटे लंब, ये होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आई होप आपको ये कुछ बेसिक था मेरे त्रिकोणमिति के हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।